गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भाषा लिपि और व्याकरण पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले जो है वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, यानी वह इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वही क्या होता है? वर्ण होता है। हम यहाँ लिखते हैं ग अ य और आ। तो अब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। ये ग जो है यह सबसे छोटी इकाई है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई है, और इन्हीं वर्णों को मिला करके एक शब्द बनता है जो गया होता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण जो है ये भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यहाँ हम लोग वर्णमाला पे अगर चर्चा करें तो वर्णमाला क्या होता है? वर्ण जब एक निश्चित क्रम के अनुसार समूह में रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। कैसे? जैसे हम क से ज्ञ तक लिखते हैं तो क्या होता है? ये वर्णमाला हो जाता है, क ख ग घ ङ च ष झ ञ ऐसे लिखते हैं। ज्ञ तक जब लिखते हैं एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, क्रम वाइज लिख देते हैं, क्रम से लिखते हैं, तो वो क्या होता है? ये वर्णमाला होता है। तो ये होता है वर्ण और ये वर्णमाला होता है। हम आते हैं वर्णों के भेद। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। सबसे पहले हम स्वर वर्ण पे चर्चा करते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है? ये स्वर वर्ण जो है क्या होता है? तो स्वर वर्ण में क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, साथ ही जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं, जिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से कहने का आशय यह हुआ कि उसमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वो क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और इसकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की या अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है वह क्या होती है? व्यंजन वर्ण कहलाती है। तो यहाँ आप लोगों का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कंप्लीट हुआ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ हम आते हैं स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के भेद की अगर हम चर्चा करें तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे हम लिखते हैं अ छोटी ई, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दोगुना या ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है वो क्या होते हैं? वो दीर्घ स्वर होते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो छोटी ई की मात्रा, जो छोटी मात्रा होती है वो ह्रस्व स्वर, और जो बड़ी मात्रा होती है वो दीर्घ स्वर। अब यहाँ एक चीज और बता दें कि ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वो चार और दीर्घ स्वर की संख्या सात होती है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कंप्लीट हुआ। स्वर वर्ण के भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में आते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो यहां व्यंजन वर्ण के भेद तीन आधार पे किए जाते हैं, एक उच्चारण के आधार पर, एक
प्राण वायु की मात्रा के आधार पर और एक स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को छू करके आती है वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहां हम ऐसे समझ सकते हैं कि क से म तक ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन ही होते हैं। क से म तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसको हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है वह क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। इसके उच्चारण में वायु का अवरोध कम समय के लिए होता है। इसके उच्चारण में क्या होता है? वायु का अवरोध कम समय के लिए होता है। यही क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। इसकी संख्या जो होती है चार होती है। कौन कौन? य, र, ल, व। अब अंतस्थ व्यंजन अगर य, र, ल, व की, हाँ यहाँ देखिए य, र, ल, व ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाती है और रगड़ खाते हुए कुछ उष्मा के साथ बाहर आती है वो क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। जैसे दंड स, तलाब्य स, मूर्धन्य स, इसमें ह भी आते हैं, ये होते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या चार होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी चार होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या बता चुके हैं 25 होती है। तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन हो गया। अब व्यंजन वर्ण के भेद में ये दूसरा आता है प्राण वायु की मात्रा के आधार पर। तो प्राण वायु की मात्रा के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण क्या होता है? तो इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। क्योंकि अल्प कहने से ही पता चलता है, अल्प माने थोड़ा, छोटा सा, तो इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होता है कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। पहला क्या हो गया? जैसे क, क, ग से हम बात करें तो क, और तीसरा क्या हो गया? ग, और पांचवा क्या हो गया? अंग। तो ये जो होता है क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब आते हैं हम महाप्राण पे। तो महाप्राण की चर्चा करें, महाप्राण कहने से ही महा मैंने ज्यादा, तो महाप्राण में क्या होता है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली यानी मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। किससे? अल्प प्राण से। यानी अल्प प्राण से अधिक मात्रा में वायु निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे अगर हम बात करें क, ख, ग, घ से ही बात करें तो इसका ख और घ जो है ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अब महाप्राण में तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंड स और ह, ये चार जो होते हैं महाप्राण में आते हैं। प्राण वायु की मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें कि तलाब विषम मूर्धन्य स, दंड स, ह ये क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो यहां हम इसको महाप्राण कहेंगे। अब व्यंजन वर्ण के भेद आ जाते हैं किस पे? स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे अगर हम बात करें तो इसमें दो होते हैं, एक अघोष
और दूसरा सघोष। अघोष में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो क्या होता है, वो अघोष होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क हो गया और ख हो गया, ये अघोष हो जाता है। अब स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर अगर हम बात करें कि तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ये अघोष है या सघोष है, तो ये यहां अघोष हो जाते हैं। दूसरा होता है सघोष। सघोष में क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा क्या हो जाएगा, ग, घ, अंग, ये क्या होते हैं, सघोष हो जाते हैं। और स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे अगर हम बात करें तो य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो ये व्यंजन वर्ण हो गए। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें कह रहा है कि जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त होता है जोड़ना, जहां दो व्यंजन को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे क और स मिल के छ बना हुआ है, त र मिल के त्र बना हुआ है, ज य मिल के ज्ञ बना है, स और अ मिल के स्र बना है। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में क्या होता है, द्वित व्यंजन का अर्थ होता है दोहरा या दो बार, यानी जिस व्यंजन की आवृत्ति दो बार हो। कह रहा है कि जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। यहां दिया हुआ है पक्का बच्चा, तो यहां क क की जो आवृत्ति है दो बार हुई है और च च की आवृत्ति भी दो बार हुई है, यही जो है द्वित व्यंजन है। अब आते हैं आगत वर्ण में। आगत वर्ण क्या होता है, जो ध्वनियां दूसरे भाषा से आती है उन्हीं को आगत वर्ण कहते हैं। जैसे हम कालेज लिखते हैं तो कालेज जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, बाल जो है हिंदी का शब्द नहीं है, ये दूसरे भाषा से आया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आगत वर्ण हो जाएगा, ये आगत वर्ण हो गया। इसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह तीन होते हैं, एक अनुस्वार होता है, दूसरा अनुनासिक होता है और तीसरा विसर्ग होता है। इसके बाद मात्रा। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल देते हैं, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदलते हैं, इसी बदले रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे हम यहां लिखते हैं कल, अब इसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है, काल हो जाता है। और यही जो मात्रा मिलता है इसी यही जो यही क्या होता है, मात्रा होता है, इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल देते हैं, इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। आज बस इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में शब्द विचार पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।